हिमाचल के ऊपरी हिस्सों में बर्फबारी ने कर्फ्यू सा माहौल बना दिया है। बर्फ ने इन क्षेत्रों में पिछले 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। किन्नौर और रामपुर के सभी संपर्क मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। अधिक बर्फ की वजह से बिजली आपूर्ति व्यवस्था भी अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में 30 घंटों से ठप है। हिमाचल के ऊपरी हिस्सों में बर्फबारी ने कर्फ्यू सा माहौल बना दिया है। बर्फ ने इन क्षेत्रों में पिछले 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। किन्नौर और रामपुर के सभी संपर्क मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। अधिक बर्फ की वजह से बिजली आपूर्ति व्यवस्था भी अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में 30 घंटों से ठप है। रामपुर व आसपास के प्रमुख कस्बों में भी 24 घंटे बिजली गुल रही। परिवहन सेवा भी पटरी से उतर गई। दर्जनों बसें बर्फ के कारण मार्गों पर ही फंसी रही। सरकारी तंत्र ने बिजली व यातायात सेवा बहाल करने के प्रयास तेज किए हैं, लेकिन विकट परिस्थितियों के कारण हालात सामान्य करने में दिक्कतें आ रही हैं। बर्फबारी के बाद ठंड और यातायात सेवा बाधित होने से बाजारों में कर्फ्यू सा माहौल बना है। लोग दुकानें बंद कर दुकानों में ही दुबके रहे। ठंड से बचने के लिए लोग आग जलाकर समय निकाल रहे हैं। अधिक बर्फबारी से पेड़ पौधों को भी काफी नुकसान हुआ है। दिसंबर जनवरी में गिरने वाली बर्फ सूखी होती है और पेड़ पौधों में चिपक जाती है। ऐसे में अधिक भार के कारण पेड़ पौधे टूट जाते हैं। सभी सेवाएं ठप होने से लोग परेशान है। प्रशासन का कहना है कि जल्द ही हालात सामान्य किए जाएंगे। श्यामलाल गुप्ता ने बताया कि रामपुर के आसपास भारी हिमपात हुआ है। लगभग 30 वर्ष बाद इतनी बर्फ पड़ी है, जिसके कारण से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। भारी हिमपात हुआ है, लगभग 30 वर्षों के बाद इतना बड़ा हिमपात हुआ है, जिसके कारण से जनजीवन अस्त व्यस्त होना स्वाभाविक था और बिजली भी इसमें गुल हुई है। परंतु विभाग इसमें काम कर रहा है, विभाग लगा हुआ है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिजली जल्दी बहाल हो जाएगी और जनजीवन दोबारा से उसी पटरी पर आ जाएगा। ये रविंदर नेगी ने बताया कि पूरे प्रदेश में अच्छी बर्फबारी हुई है और समय पर ये बर्फबारी हुई है। इससे बागवानों को भी लाभ होगा और खासकर सेब की अच्छी फसल होगी, लेकिन बर्फबारी अधिक होने से लोगों को असुविधा भी हुई है। बिजली, पानी, यातायात सुविधा सभी ठप होकर रह गई हैं। मेरा नाम रविंदर सिंह नेगी है। मैं किन्नौर जिले के खदरा गांव से बिलोंग करता हूं। इस बार पूरे प्रदेश में अच्छी बर्फबारी हुई है और सबसे बड़ी बात है कि ये टाइम पर हुई है, जिससे आने वाले साल में फसल अच्छी होने की उम्मीद है। बर्फबारी अत्यधिक होने के कारण लोगों को असुविधा हुई है। बिजली, पानी, यातायात पूर्णतः ठप है। किन्नौर में भी काफ़ी अच्छी बर्फबारी हुई है, यातायात अवरुद्ध है। एक दो दिनों में बहाल किया जाएगा, बिजली पानी भी बहाल किया जाएगा और किन्नौर के बागबान और किसान प्रेम ने बताया कि प्रदेश में भारी हिमपात हुआ है, उसके बाद जो हालात बिगड़े हैं उसे सामान्य करने के लिए सरकारी स्तर पर मशीनरी व कर्मचारियों की कमी के कारण समय बाद काम नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि विभागों में फील्ड स्टाफ की कमी की वजह से जल्द काम नहीं हो पा रहा है। मेरा नाम प्रेम है और ये जो आज पिछले कल भारी हिमपात हिमाचल के अंदर हुआ है और जो रामपुर के अंदर भी हुआ है, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से अभी हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली है, पानी है और यातायात है, पूरी तरह अवरुद्ध पूरे देश पूरे रामपुर ब्लॉक के अंदर पड़ा है। इसका सबसे बड़ा कारण हम देख रहे हैं कि जो बिजली का है, बिजली के अंदर जो स्टाफ की बहुत बड़ी बहुत सारी कमी है, जिससे ये परेशानी लोगों को आ रही है। पिछले 24 घंटे से रामपुर के अंदर कोई बिजली नहीं है और इसके साथ साथ सड़क के हालात हम देखते हैं कि पूरी मशीनरी जो PWD विभाग के पास होनी चाहिए थी, सरकार को जो मुहैया करवानी थी, वो भी उस तरीके से नहीं है और जो स्टाफ की बहुत सारी कमी इस PWD विभाग के अंदर भी हमें वहाँ पे जो देखने को मिली है। इसके साथ साथ जो IPH का है, बहुत सारी जगह पानी की पाइपें टूटी है, पानी जाम हुआ है, परंतु उसको खोलने के लिए भी हमारे पास जो पर्याप्त स्टाफ होना चाहिए था वो अभी तक स्टाफ नहीं है। SDM रामपुर नरेंद्र चौहान ने बताया कि रामपुर के आसपास पिछले 30 वर्षों का बर्फ ने रिकॉर्ड तोड़ा है, अभी भी बर्फ पिघली नहीं है। उन्होंने बताया कि नेशनल हाईवे को किंगल से बदाल तक बहाल कर दिया है। ग्रामीण संपर्क मार्ग को दुरुस्त करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीण सड़कें बर्फ के कारण बंद हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि इससे नुकसान भी काफी हुआ है। मार्गों को खोलने के लिए पर्याप्त मशीनरी लगाई गई है। जैसा कि आपको पता ही है कि रामपुर में जो है
लगभग 30 वर्षों बाद इतनी बर्फबारी हुई है। 4 इंच बर्फ अभी भी बाहर जो है सड़कों पर टिकी है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी रामपुर का एरिया में जो NH पड़ता है किंगल से लेकर बदाल तक, वो अभी सुचारू रूप से खोल दिया गया है, उसके ऊपर गाड़ियां चल रही है। लेकिन रूरल एरिया में हमारे काफ़ी सारे जो लिंक रोड है, जो मेन रोड है, तकलेज, ननखड़ी और सरहान वाला, ये सारे अभी बंद पड़े हैं। रेस्टोरेशन वर्क चला हुआ है, जो कि शाम तक शायद 2-3 रोड खोल दिए जाएंगे। कुछ ही लिंक रोड अभी खुल भी चुके हैं, तो काफ़ी नुकसान हुआ है लोक निर्माण विभाग को। और इसके लिए जो पर्याप्त रूप से मशीनरी हमने डिप्लॉय की है, लगभग 14 से 15 GCB जो है काम पे लगे हैं। डोजर डिपार्टमेंट के सारी मशीनरी जो है डिप्लॉय की जा चुकी है। और बिजली का जहाँ तक सवाल है, बिजली विभाग को काफ़ी नुकसान हुआ है। पोल गिर गए हैं, वायर्स टूट गई है, ट्रांसफॉर्मर्स डाउन हो गए हैं। तो अभी इन्होंने मुझे सूचना दी है लगभग 5 बजे तक ये सुचारू रूप से बिजली